गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास फिफ्थ के सब्जेक्ट साइंस की। तो आज का हमारा इस वीडियो में जो स्टडी है वो है क्लास फिफ्थ और सब्जेक्ट है हमारा साइंस। स्टूडेंट्स, साइंस और एसएस की एक कंबाइंड बुक है जो एनवायरनमेंट स्टडीज़ के नाम से हैं। उसमें एसएसटी और साइंस दोनों सब्जेक्ट्स के कुछ टॉपिक्स हैं। आज हम इस वीडियो में साइंस सब्जेक्ट का जो लेसन नंबर 6 जो है हमारा इस बुक का, सीड्स बिकम्स प्लांट, उसकी स्टडी करेंगे। तो हम लेसन नंबर चैप्टर जो हमारा है वो 6, प्लांट या सीड बिकम्स प्लांट, सीड्स becomes plant। स्टूडेंट्स, जैसा कि lessons के नेम से ही डिस्क्राइब है कि ए प्लांट ऑलवेज ग्रो फ्रॉम ए सीड्स, यानी जो भी प्लांट्स हम देखते हैं हमारे आसपास वो सभी किसी न किसी सीड से प्रोड्यूस होते हैं, ग्रोज होते हैं। सभी सीड्स जो हैं वो बिकम प्लांट। नाउ वी व्हेन वी आर हंग्री, जब हम हंग्री होते हैं, भूखे होते हैं, व्हेन वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं स्टूडेंट्स, द मैनी टाइप्स ऑफ फूड्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें प्लांट से प्राप्त होता है, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट बट मैनी पार्ट्स ऑफ या एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, हम प्लांट्स के जो वो बाहरी जो इतने भी भाग होते हैं उनसे हमारा भोजन जो वो प्राप्त करते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट सम फूड आइटम्स एम एंड द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट यूज एज ए फूड, यानी हम कुछ फूड आइटम्स लेंगे और स्टडी करेंगे कि वो फूड आइटम्स प्लांट्स के कौन से पार्ट से हमें मिलते हैं। जस्ट राइट, फूड आइटम्स और नेक्स्ट लिखेंगे पार्ट, यानी नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड एज फूड, पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट के कौन से पार्ट से हमें कौन सा फूड मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम हमेशा घर में क्या खाते हैं, राइस, चावल। चावल क्या है, प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो वो सीड है। कौन सा पार्ट है, सीड्स। सेकेंड, एप्पल, एप्पल खाते हैं फ्रूट्स हम, एप्पल। सेव जो खाते हैं वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, फ्रूट। कौन सा प्लांट पार्ट है, फ्रूट पार्ट है। यानी राइस जो हम खाते हैं वो इस प्लांट का क्या है, सीड। एप्पल जब हम खाते हैं तो वो कौन सा पार्ट हो गया प्लांट का, फ्रूट। जैसे हम थर्ड नंबर पर लेते हैं कैरेट, गाजर। अमूनली हम सब ने गाजर खाई है, गाजर जो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, रूट। यानी हम कैरेट प्लांट की रूट जो है वो एडिबल पार्ट है, हम खाने योग्य पार्ट है, वो हम खाते हैं। इसी तरह रेडिश, रेडिश भी क्या है स्टूडेंट्स, रूट है। इसके अलावा जैसे हम खाते हैं पालक, स्पाइनक बोलते हैं जिसे, पालक क्या है, लीव्स। क्या है, लीव्स, प्लांट का कौन सा पार्ट है, लीव्स, पत्ती। पत्ती खाते हैं हम इसकी। और सबसे कॉमन जो हम खाते हैं पोटैटो, आलू। आलू क्या है, आलू स्टेम ऑफ द पार्ट प्लांट, यानी पोटैटो जो है वो प्लांट का क्या होता है, स्टेम्स होता है। जैसा हमने देखा कि ये हमारे जो फूड आइटम्स हैं, राइस, एप्पल, कैरेट, रेडिश, पालक एंड पोटैटो, ये प्लांट के कौन से पार्ट है, राइस सीड है, एप्पल फ्रूट है,
कैरेट रूट है, रेडिश रूट है, पालक जो है वो लीव्स है, पोटैटो जो है वो स्टेम्स है। यानी ये सभी पार्ट जो है वो प्लांट्स के हैं, जो इडेबल पार्ट है, जो खाने योग्य है और जिनका हम भोजन के रूप में सेवन करते हैं। बट ऑल द प्लांट्स, जैसे हमारा लेसन स्टडी कर रहे हैं हम कि सीड्स बिकम प्लांट्स, तो हाउ ए सीड्स बिकम प्लांट और व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड टू सीड्स चेंज इनटू द प्लांट, यानी सीड्स जो प्लांट्स में चेंज होते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है। तो अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। तो व्हाट डू यू मीन बाय जर्मिनेशंस? फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हेन सम सीड्स लाइक मूंग एंड चना, लाइक सम सीड्स मूंग एंड चना, यानी अगर मूंग और चना के जो बीज हैं या दाने जो हैं विच आर सॉक्ड इन वाटर एंड टाइड इन ए वाइट कॉटन क्लोथ। स्टूडेंट्स, अगर हम मूंग के, चने के या वीट गेहूं के जो दाने हैं उन्हें गीले करके और वाइट कॉटन क्लोथ में टाइड बांध देंगे, नेक्स्ट डे वी सी थियर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ वाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, यानी धागे नुमा एक सफेद कलर का जो स्ट्रक्चर है वो उन बीजों में से निकला हुआ हमें दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एक सफेद रंग का थियर्स लाइक का जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिखाई देगा। दिस इज द रूट। ये क्या है? रूट है। किसकी? सीड से रूट निकलती है, वो व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर थियर्स दिखाई देता है। द एंटायर प्लांट इज फॉर्म फ्रॉम दिस रूट। जो भी प्लांट तैयार होता है वो इसी रूट से तैयार होता है। दिस इज नाउन एज जर्मिनेशन। तो यह चीज क्या कहलाती है? प्रोसेस क्या कहलाता है? जर्मिनेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल था कि अगर हम मूंग की दाल, चने की दाल या गेहूं को भिगोकर उसे एक सफेद व्हाइट कॉटन क्लॉथ कपड़े में बांध कर अगर हम उसे रखते हैं तो नेक्स्ट डे हमें उसमें से हल्के हल्के जो है वो व्हाइट कलर थियर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जो कि रूट कहलाते हैं। और ये सीड का जो है वो प्लांट में ग्रो होना प्रोसेस जो है वो जर्मिनेशन कहलाता है। तो जर्मिनेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या हो गई कि द प्रोसेस बाय विच, अब हम इसे लिखेंगे, इसकी क्या डेफिनेशन होगी? द प्रोसेस बाय विच, यानी एक प्रोसेस, एक क्रम जिसके द्वारा प्लांट ग्रो फ्रॉम ए सीड, यानी द प्रोसेस बाय विच प्लांट ग्रोज फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स कि प्रोसेस बाय विच ए प्लांट ग्रो फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन, लाइक चना है एक हम देखते हैं तो उसमें से इस एक थियर लाइक स्ट्रक्चर, इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो होता है। वो जो है ये चने का जो है प्लांट के रूप में बनना या चेंज होना, ये चीज प्रोसेस जो है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? जर्मिनेशन कहलाती है। नाउ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिन्हें जर्मिनेशन के लिए सीड की जरूरत नहीं होती, यानी कुछ प्लांट्स जो ऐसे होते हैं जिन्हें उगने के लिए, नया प्लांट्स बनने के लिए सीड की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिना सीड के ही ग्रो होते हैं, उग जाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे एग्जांपल्स के रूप में हम लेते हैं पोटैटो मतलब आलू। आलू किससे उगता है? स्टेम से। आलू को अगर आप स्टूडेंट्स अगर
अभी इस मानसून के समय में अगर किसी भी एक आलू के 3 या 4 टुकड़ों में काट कर अगर आप उसे जमीन में बो देते हैं तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि कुछ नए पौधे जो है वो निकल आएंगे, यानी जर्मिनेशन टेक प्लेसेस थ्रू स्टेम। नेक्स्ट है रोज। रोज गुलाब का फूल आपने देखा होगा, आपके आसपास होगा हुआ, यह भी क्या होता है स्टेम से नया बनता है। अगर आप रोज प्लांट लगाना चाहते हैं तो किसी एक रोज प्लांट की जो है वो स्टेम को आप काट लीजिए और उसे गमले में लगा दीजिए, एक नया रोज का जो प्लांट है वो उसमें उग आएगा। इसके अलावा मिंट है, पुदीना, यह रूट से नया बनता है। अगर आप मिंट अपने घर में लगाना चाहते हैं पुदीना, तो आप किसी भी पुदीने को जो है वो कुछ पुदीने की जो डाली है, मिंट की जो डाली है, उसे कुछ दिन पानी की बोतल में रखकर जब उसमें थोड़ी थोड़ी रूट्स निकल आएगी आप उसे गमले में या पॉट में लगा दीजिए, आपके घर में भी क्या है मिंट का पौधा ग्रो हो जाएगा, उग जाएगा। तो ये कुछ प्लांट्स है जो विदाउट सीड भी जो है वो ग्रो होते हैं, उगते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने साइंस के इस लेसन नंबर 6 में सीड बिकम्स प्लांट में हमने कुछ फूड आइटम्स देखे हैं जिनके हम कौन कौन से पार्ट खाते हैं, जैसे राइस, एप्पल, राइस का सीड है, एप्पल का फ्रूट, कैरेट का रूट, रेडिश का रूट, पालक का लीव्स, पोटैटो का स्टेम। उसके बाद में सीड्स बिकम प्लांट्स, द प्रोसेस बाय विच प्लांट ग्रोज फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या है, जर्मिनेशन एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें एक बीज के द्वारा पौधा बनने की जो प्रक्रिया है वो जर्मिनेशन कहलाती है। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो विदाउट सीड्स के भी ग्रो होते हैं, उसमें जैसे मैंने बताया पोटैटो स्टेम से होता है, रोज स्टेम से होता है, मिंट जो है वो रूट से होता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो से आप इस बुक से इस लेसन की स्टडी करें, इसके साथ इसकी कुछ पीडीएफ के कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपको भेजे जाएंगे जिनकी आप स्टडी करें। थैंक यू।